मुंबई में दहशत का माहौल। हाल ही में हुए बाबा सिद्दी की हत्याकांड के बाद मुंबई दहल उठी है। सभी राजनेताओं के खेमों में दहशत का माहौल है। वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी की सुरक्षा के लिए उनकी पार्टी के कुछ पद अधिकारियों ने मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में पत्र दाखिल कर जेड प्लस सिक्योरिटी सुरक्षा की मांग की है, जिनमें समाजवादी पार्टी से मुंबई प्रदेश सचिव उत्तर पश्चिम जिला प्रभारी खुशनूर सादत अली शेख उर्फ लाला, उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष संदीप यादव सहित राशिद खान नूरुल हक शेख ने अबू आसिम आजमी की सुरक्षा के लिए जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग की है। वहीं विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जब महाराष्ट्र सरकार व इस श्रेणी के सुरक्षा कवर वाले राजनीतिक नेता की सुरक्षा नहीं कर सकती तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दी की, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, चाहे आज हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है, उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। गौरतलब है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या से 15 दिन पहले ही उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद उनकी सुरक्षा को वाई श्रेणी में बढ़ा दिया गया था। देखिए मुंबई से न्यूज एंड न्यूज की ये खास रिपोर्ट। न्यूज एंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में दिन दहाड़े गोली मारकर लोगों की हत्या कर दी जा रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक खेमों में दहशत का माहौल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप समाजवादी पार्टी के लोग, जो अबू आसिम आजमी मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने नेता के लिए उनकी सुरक्षा के लिए आज यहाँ पर मुंबई के कमिश्नर ऑफिस यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। आज यहाँ पर क्यों आए आप सर, क्या क्या वजह है? वजह तो ये है कि जो हमारे भारत में जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, राजनेताओं की हत्याएं हो रही हैं, और चूँकि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब जो हैं वो एक बेबाक बोलने वाले इंसान हैं। वो हर मुद्दे पे किसी भी दबे कुचले गरीब की कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें वो पहली आवाज़ अगर मुंबई महाराष्ट्र से उठती है तो जनाब अबू आसिम आजमी साहब की उठती है। तो हमें उनकी चिंता है, तो इसलिए आज हमने एक डेलीगेशन बना के रखे और मुंबई कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं कि अबू आसिम आजमी साहब को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जेड प्लस सुरक्षा क्यों सर, और भी एक्स है सुरक्षा है, वाई प्लस है, वाई सिक्योरिटी। सर एक्स बोले तो ये आपका जो बोल रहे हैं जेड प्लस, ये तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनके लिए अवेलेबल है सर? नहीं, एक्स सुरक्षा तो ऑलरेडी चल रही है अबू आसिम आजमी साहब की और बाबा सिद्दीकी साहब को मिली हुई थी, अच्छा उनके साथ में थी और सत्ता दल का नेता के साथ में तीन बचकुंडे आते हैं, नए लोग आते हैं जो कोई उनका बहुत ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या बहुत बड़े शॉर्ट शूटर नहीं है, ऐसे तुच्छ क्वालिटी के तीन बंदे आते हैं और उनको दर पे तीन गोली चलाते हैं और तीन गोली लगती है बाबा सिद्दीकी साहब को, वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। छह फायर किए जाते हैं उसमें से तीन गोली लगती है और उनकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल पहुंचते। तो वो सिक्योरिटी कहाँ थी? तो इसलिए जनाब अबू आजम साहब जो है वो महाराष्ट्र के एकमात्र हम लोग के लीडर हैं और बेहतरीन लीडर हैं जो दबे कुचले के लीडर होते हैं, तो उनकी सुरक्षा जेड प्लस से कम तो हम चाहेंगे ही नहीं। अभी आजमी साहब को कहीं पे थ्रेड आए, उनको किस तरह से कोई धमकी आई कि इससे पहले अबू आसिम आजमी साहब को 2-3-4 बार धमकियां आ चुकी हैं, जिसकी एक दो एफआईआर भी हो चुकी है, हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज कराई है लेकिन उसका कुछ मीनिंग निकला नहीं है। तो अब हमारी मांग भारत सरकार मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से भी है और जो गृह मंत्री जो अपना अमित शाह साहब हैं उनसे भी हमारी मांग है कि देखो अगर जूने लीडर हैं जो जिनके वजह से आज कानून व्यवस्था बनी हुई है, अगर वो लीडर के ऊपर कोई हाथ उठता है या उन लीडरों को कोई नुकसान होता है तो फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। जिस तरह से सुरक्षा का सवाल है, हमारे नेता की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि जिस तरह से भी मतलब मुंबई में खुलेआम दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, हमारे नेता की सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है। जेड प्लस सुरक्षा उनकी होनी चाहिए सर। जी जरूर सर, इसमें सवालिया उठेगा ही ना, अगर मतलब जिस तरह से दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं मतलब वहाँ पे पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाती है तो सवाल तो सर उठेगा। आज महाराष्ट्र के अंदर
आज राजनेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से बिश्नोई जेल के अंदर बैठ के किस तरह से अपने गुर्गे को आदेश देता है और किस तरह से प्लान बनाते हैं, तो जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है महाराष्ट्र के अंदर। और हमारे नेता अबू आसिम आजमी जो दबे कुचले दलित मुस्लिम सबकी आवाज़ उठाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए लालाबाई के साथ हम लोग आज कमिश्नर ऑफिस पे आए हैं और डिस्पैच करे लेटर के अबू आसिम आजमी साहब को कि सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला हुआ है ये नहायत ही अफसोसजनक है। और हम लोग तमाम लोग इसकी निंदा करते हैं और जल्द से जल्द सरकार से मांग करते हैं कि बाबा सिद्दीकी के कातिलों को बिश्नोई को साबरमती जेल से महाराष्ट्र में लाया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। और ये सब हमारे लोग का कहना है कि उनको फांसी की सजा, जिस तरीके से बिश्नोई आज दहशत का माहौल मुंबई के अंदर बना रहा है, आज मुंबई पुलिस टॉप की पुलिस है, टॉप 10 में पूरे वर्ल्ड में मुंबई पुलिस का नाम आता है, मुंबई पुलिस खामोश क्यों है? बिश्नोई के गुर्गों को कैसा क्यों नहीं मार रही, जब अंडरवर्ल्ड को खात्मा करा सकते, दाऊद इब्राहिम के गुर्गों का खात्मा करा सकते, तो बिश्नोई के गुर्गों का खात्मा क्यों नहीं करा सकते? ये जो दोगलापन जो सरकार कर रही है, तो ये हम लोग सब देख रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि ये तो एक नाम किया गया बिश्नोई का, लेकिन काम किसी और का लग रहा है, क्या कहेंगे इसका? बिश्नोई का नाम दिया गया तो ये सरकार की तरफ से आ रहा है, ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, कोई आम लोग नाम नहीं दे रहे। ये बिश्नोई का नाम जो रहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बता रहे कि उनसे लिंक जुड़ा हुआ है। ये बिश्नोई, ये दो टके का बिश्नोई आज महाराष्ट्र के राजनेताओं का निशाना बना रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? अगर कल चाहे तो कोई भी बच्चा उठ के बंदूक उठा के किसको भी मार सकता है, हाँ, लेकिन सरकार और कानून व्यवस्था एकदम खराब हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर और पुलिस खामोश बैठी है। मुंबई कमिश्नर के ऑफिस पे हम लोग आए, ये मांग लेते हो कि अबू आसिम आजमी को जल्द से जल्द कड़ी सुरक्षा दी जाए, नहीं तो हम लोग सब धरने पे बैठेंगे। आज जो हालात मुंबई में हो रहे हैं, हर किसी को अपनी जान की चिंता है, कोई सुरक्षा नहीं, मुंबई पुलिस के ऊपर सवालिया निशान ये उठता है कि इतनी कड़ी बंदोबस्त के बावजूद जब एक नेता के ऊपर गोली मार के हत्या कर दी जाती है, और जनाब अबू आसिम आजमी साहब जो छोटे छोटे मुद्दे, जो लोगों के गरीब कुचले दबे हुए लोगों के जो मुद्दे उठाते हैं, उनका क्या होगा उसके बारे में हम चिंतित हैं। इस वजह से हम मुंबई कमिश्नर सीपी के पास अपना मेमोरेंडम लेके आए हैं, ताकि हमारे नेता जनाब अबू आसिम आजमी जी को Z+ सुरक्षा दी जाए, ताकि कल को कोई आतंकवादी उठकर हमारे नेता को टारगेट ना कर सके, जो कि लास्ट समय पिछले साल उनको धमकी भी दी गई थी, उन्होंने उसकी कंप्लेंट भी की है, लेकिन अभी तक के कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। तो इस वजह से जनाब खुशनूर अली साहब ने एक मेमोरेंडम बनाया है और सीपी साहब को दिया है, ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जनाब अबू आसिम आजमी जी को Z+ सुरक्षा दी जाए। तो Z+ सिक्योरिटी दी जाए सर, ये कमिश्नर ऑफिस के अलावा अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के पास भी नहीं है? अभी हमारे पास है कॉपी, हम माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो हैं उनको देंगे, और एक कॉपी हम देंगे जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब और उनको भी कॉपी देंगे, और ईमेल के जरिए भी हम मेल कर रहे हैं मोदी साहब को और अमित शाह को कि Z+ सुरक्षा से कम अबू आसिम आजमी साहब के लिए हम लोग को चलेगा ही नहीं। और अबू आसिम साहब ऐसी शख्सियत हैं कि ऐसी जो शख्सियत होती है कभी 100 साल में एक कोई पैदा होता है, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मुंबई और महाराष्ट्र का माहौल कोई संभाल नहीं सकेगा। सर क्या लगता है आपको, उम्मीद क्या लगती है आप कमिश्नर ऑफिस में, आपने पत्र दिए, आप अर्जी लेकर जा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या ये आपकी अर्जी को मानी जाएगी, Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी? नहीं, हमारी मांग कोई तो ऐसी है नहीं कि नाहक मांग हम कर रहे हैं और या फजूल बात कर रहे हैं। अगर कायदे से देखा जाएगा और हमारी जो हमने ज्ञापन दिया उसको धैर्य से वो लोग पढ़ेंगे, तो हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ज़रूर से ज़रूर उनको Z+ सुरक्षा मिलेगी। तो देखो, आपने जिस तरह से बाबा सिद्दीकी के हाल ही में 4 दिन पहले दिन दहाड़े उनके एरिए में जाकर रात के 9:30 शनिचर की रात को उनको गोलियों से मार के हत्या कर दी जाती है, जिसको देख कर राजनीति खेमे में एक दहशत का माहौल है, तो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के लिए इनके जो लोग समर्थक हैं यहाँ पर आए हैं कि उनको Z+ सुरक्षा देनी चाहिए, क्या लगता है आपको देखकर कि इनकी जो इन्होंने जिस तरह से मांग उठा रहे हैं Z+ सिक्योरिटी चाहिए, क्या ये जायज़ है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। न्यूज़ एंड न्यूज़ मैच के लिए इतना ही, मुझे अयाज अहमद खान को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़, देखिए सिर्फ हकीकत। देश और दुनिया की ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एंड न्यूज़, देखिए सिर्फ हकीकत।